हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैगजोन पर। और आज जैसा कि आप जानते हैं 12 जनवरी और डेली बेसिस पे हम आप लोगों के लिए लाते हैं अपने कुछ अच्छे जनरल अवेयरनेस के डेली करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी के एमसीक्यूज, जो कि आपके आरआरबी जेई 2019 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप सब लोग को पता है कि ये सीरीज हम लोग डेली बेसिस पर लाते हैं, तो अब से जो हमारा शेड्यूल है उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने चेंजेस किया है। और चेंज सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अब हमारी जो थ्योरी क्लासेस चल रही थी वो वीकेंड्स पर चला करेंगी, और वीकेंड्स पे आपको मंडे मतलब वीकेंड्स पे फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन रहेगा हमारा, 9 से 11 वहां पर हमारी क्लासेस चलेंगी। तो 9 से 11 ऑन द डेली बेसिस आप लोग हमारा मतलब चैनल जरूर देखिएगा। एक क्लास शुरू होगी 9 से, फिर 9:30 से, फिर 10:30 से, फिर 11 बजे से। तो चार क्लासेस आपको डेली चलेंगी फ्राइडे टू संडे, और यहाँ पर इन टोटल 12 लेक्चर्स आपको एक वीक में मिल जाएंगे, ठीक है। और टेक्निकल जब हम लोग शुरू करेंगे तो अपना आर एस खुरमी और आर के जैन दो बुक से हम लोग अब यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। वहां पर मैंने टेक्निकल से स्टार्ट कर दिया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, और उसके बाद धीरे धीरे करके सारे हम लोग कोर्सेज वहां पर आरआरबी जेई एसएससी जेई के लिए कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन है 106th सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस आईएससी 2019 कॉन्क्लूडेड इन। तो ये कॉन्क्लूजन इसका कहां पर हुआ? हमारा जलंधर, और ये कहां पर है? हमारा पंजाब में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही ऑप्शन जलंधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थीम ऑफ फोर्थ एडिशन ऑफ द रायसेना डायलॉग। द रायसेना डायलॉग का जो थीम था फोर्थ एडिशन का वो क्या था? अ वर्ल्ड रिऑर्डर, न्यू ज्योमेट्रीज, फ्लूइड पार्टनरशिप्स और अनसर्टेन आउटकम्स। तो अ वर्ल्ड रिऑर्डर, न्यू ज्योमेट्रीज, फ्लूइड पार्टनरशिप्स एंड अनसर्टेन आउटकम्स, ये था हमारा थीम किसका? फोर्थ एडिशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या है। अ मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस 70-point ग्रेडिंग इंडेक्स, इट इज एम्ड टू। अब यहां पर क्या है? इट इज एम्ड टू क्या है? असेस द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को असेस करने के लिए आपका 70-point ग्रेडिंग इंडेक्स शुरू किया गया, और इसका मेन एम क्या है? स्कूल में जो क्वालिटी दी जाती है एजुकेशन की, उसको असेस करने के लिए। अब जैसा कि आप लोगों को पता है स्कूल में जो एजुकेशन की क्वालिटी है कितनी अच्छी या खराब है, ये सब लोग जानते हैं। हालांकि अगर आप अपने स्कूल से अपने बीटेक कॉलेज को कंपेयर करिए, ठीक है, उसके बाद आप अगर एमटेक कर रहे हैं जैसा कि मैंने किया है, फिर उसके बाद आप पीएचडी कर रहे हैं जैसा कि मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो आप देखेंगे बहुत ड्रास्टिक एक आपका डिक्रीमेंट आता है। मतलब स्कूल में बेस्ट आपको अगर आप आगे जाते जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा स्कूल में ही हम बेस्ट थे, ठीक है, और जैसे जाते जाते जाएंगे नीचे तो यहाँ पर क्वालिटी आपकी क्या होती है? घटती जाती है। टीचर पढ़ाना ही नहीं चाहते बड़े लेवल पर। तो स्कूल बेस्ट होता है लाइफ, किसी भी लाइफ स्पैन में। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस सीएसओ, द इनकम अर्नड बाय द एवरेज इंडियन पर ईयर डबल्ड इन 7 years। व्हाट इज द इनकम अर्नड बाय एन एवरेज इंडियन इन 2018 से 2019। तो एवरेज इनकम कितनी होती है? ये हो गई हमारी 1,25,000 रुपए, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज इनकम है इंडियन की 2018-19 के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट देखिए, शेख हसीना स्वॉन इन एज द बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर, इट इज हर डैश कंसेक्यूटिव टर्म। कितनी बार? वो तीसरी बार लगातार बनी है, ठीक है, थर्ड उनका ये क्या है? थर्ड कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट है, थर्ड कंसेक्यूटिवली बार वो बांग्लादेश की पीएम प्रधानमंत्री चुनी गई। नेक्स्ट देखिए, नेम द मलेशियन किंग हु हैज एब्डिकेटेड आफ्टर 2 years ऑन द थ्रोन, द फर्स्ट टाइम अ मोनार्क हैज स्टेप्ड डाउन बिफोर कंप्लीटिंग देयर 5 years टेन्योर। तो ये थे हमारे मोहम्मद फाइव, ठीक है, ये आंसर है हमारा मोहम्मद फाइव, और कहां के राजा हैं? मलेशिया के। तो मलेशिया के राजा हैं हमारे मोहम्मद फाइव। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल। यह कुमार राजेश चंद्रा जी, तो इन्हें क्या अपॉइंट किया गया? एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, दैट इज एसएसबी। तो यहां से आप इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोग इसे जरूर याद रखें।
नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन रीइंस्टेटेड एज द सीबीआई चीफ बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई के चीफ कौन बनाए गए हैं, ये हैं आलोक वर्मा जी। तो आलोक वर्मा हैज बीन सिलेक्टेड एज द चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ ऑफ एसबीआई बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस सीएसओ स्टेटेड दैट द ग्रोथ इन जीडीपी ड्यूरिंग 2018-19 इज एस्टिमेटेड एट कितना हो जाएगा, ये हुआ हमारा 7.2%। तो यहां से सही ऑप्शन क्या है, 7.2%। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट हु हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट जो थे जिम योंग किम। तो यहां पर सही आंसर है हमारा जिम योंग किम। नाम देखिए बहुत अजीब से होते हैं, लेकिन नेवरदलेस ये आपके वर्ल्ड बैंक के जो है प्रेसिडेंटशिप से इन्होंने रिजाइन किया। नेक्स्ट देखते हैं, हु वन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2019 अंडर द बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा। तो हम लोगों ने ये लास्ट उसमें भी किया था, तो ये है रामी मैलिक। ठीक है, रामी मैलिक को क्या हुआ था, इन्हें क्या मिला, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स कब मिला, 2019 में, किस चीज के लिए मिला, अंडर बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी। ठीक है, तो रामी मैलिक। नेक्स्ट देखते हैं, हु वन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2019। तो देखिए अवार्ड्स वाले जितने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, 2019 में बेस्ट डायरेक्टर इनको किसको मिला, हु वन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2019 अंडर द बेस्ट डायरेक्टर इन मोशन। तो अल्फोंसो कुआरन, ये थे हमारे अल्फोंसो कुआरन, इनको मिला क्या, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2019 में अंडर द बेस्ट कैटेगरी इन मोशन पिक्चर ड्रामा। तो यहां से सही ऑप्शन आ जाएगा अल्फोंसो कुआरन। अगला देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज आईएमएफ। आईएमएफ की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बनी, गीता गोपीनाथ। यहां पर सही ऑप्शन है गीता गोपीनाथ। देखिए जिम जोंग किम तो बिल्कुल गलत है, गीता यहां से कंफ्यूजन हो सकता है गीता गोपी कृष्णन और गीता गोपीनाथ में, लेकिन सही ऑप्शन हमारा है गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट देखते हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री लॉन्च द शेयरिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज विद प्राइवेट एफएम ब्रॉडकास्टर्स, हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईसी फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये हमारे कर्नल राज्यवर्धन राठौर, ठीक है, ये हमारे कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी। ठीक है, तो ये मिनिस्टर किसके हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स। तो ये हमारा किया है एचआरडी मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और इसके वो कौन है, ये है हमारे प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। नेक्स्ट देखिए, ओके, तो इसी के साथ हमारा ये लेसन भी यहीं पर फिनिश होता है। आई होप कि जितने प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पर डेली बेसिस पे लाते हैं आप सबको बहुत यूजफुल लगेंगे, और आप डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अकेडमी पर भी हमें साइमल्टेनियसली फॉलो कर लीजिए। और अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है, कोई भी आपको मटेरियल चाहिए, कोई भी सजेशन जो भी होता है, आप हमारे टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने ऑलरेडी एम्बेड कर दिया है, तो वहां से जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों और कुलीग्स के साथ जरूर से डिस्कस करिए ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके, क्योंकि जितनी चीजें हम लोग यहाँ पर लाते हैं आपकी डेली बेसिस पर, वो आपके आरआरबी जेई 2019 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वो सारी इंफॉर्मेशन इतनी मतलब एक्यूरेट और इतनी कंसाइज है कि आपको किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल को रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतने भी क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो भी वो आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है। तो थैंक यू सो मच।